अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बनाना ट्रैफल। और उसके लिए चाहिए कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून, बनाना जेली 1 पैकेट, फ्रेश क्रीम 1 कप, फ्रेश मिल्क 1/2 लीटर, बिस्किट 2 पैकेट, ड्राई मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून, 1 कप चीनी, इसके अलावा केले भी चाहिए होंगे जो 6 अदद होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 कप पानी हमने उबाल लिया है, अब इसमें बनाते हैं जेली। जेली को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक ये देखें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं। एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रखते हैं। साथ ही इसमें शामिल होगी चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे 3 से 4 मिनट तक, जब तक उबाला आता है, हम पकाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और इसे मज़ीद 1 मिनट तक हम पकाएंगे। अब शामिल करते हैं खुश्क मिल्क पाउडर और अच्छे से मिक्स करते हैं। कॉर्नफ्लोर के अंदर शामिल करते हैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इस पानी के अंदर। और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इस दूध में मिक्स कर देते हैं। अब हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। गाढ़ा होना शुरू हो गया। बस इससे ज्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ है हमारे पास क्रीम, इसको हम एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। इसके अंदर शामिल होगी 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर क्रीम के अंदर शामिल होंगे 4 अदद कटे हुए केले। और इनको मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ही।
और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। पुडिंग का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे बनाना और क्रीम का मिक्सचर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार है और इसको डिश आउट करते हैं। अब इसके अंदर बिस्किट की एक तह लगा लेते हैं। बिस्किट हमारे अच्छी तरह ट्रे में सेट हो गए हैं। इसके ऊपर हम क्रीम की एक तह लगाते हैं। अब इस हालत में इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से जम जाए। ट्रैफल को हमने फ्रिज में से निकाल लिया, ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब लगाते हैं इसके ऊपर बनाना की एक तह। कटे हुए केलों से हम इसको सजा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं जेली। अब इसके ऊपर जाएगा बिस्किट। दरमियान में हम कुछ पीसेस जेली के रखेंगे। बनाना ट्रफल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, फिर नोश फरमाएं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।